नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नज़र से। बारह जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विधानसभा में बीफ या बीफ प्रोडक्ट्स की बिक्री और खरीद पर एक नया कानून टेबल किया। द असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल ऑफ 2021 मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर बीफ खाने वाले समुदायों या किसी भी मंदिर या वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के रेडियस में बीफ प्रोडक्ट्स के व्यापार को प्रोहिबिट किया गया है। However, a prior law on regulating beef trade exists. It is called the Assam Cattle Preservation Act of 1950. 1950 से चला आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं मवेशियों के स्लॉटर, कंजम्पशन और ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कई और स्टेट्स में अलग अलग एंटी स्लॉटर कानून हैं, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक एरियाज एक्सक्लूड नहीं करते हैं। बीफ और बीफ प्रोडक्ट्स को बेचने या खरीदने के लिए, जैसे कि असम में प्रस्ताव दिया गया है। इन दिस बिल द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज द 5 kilometer radius which has been prescribed. You know very well, a stone can be laid and it can be declared a temple. Likewise, anyone can build a place and say that this is a mutt. It can happen any time. This is not just ambiguous, but can also lead to communal tension. विपक्ष इस बात से अवगत है। अमीनुल इस्लाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एमएलए हैं। वो कहते हैं दिस इज नॉट अ बिल टू प्रोटेक्ट काउज और इवन रेस्पेक्ट देम। दिस हैज बीन ब्रॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड पोलराइज द कम्युनिटीज फर्दर। वी विल अपोज इट एंड मूव फर्दर अमेंडमेंट्स। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, असम का प्रस्तावित कानून भी विभिन्न प्रकार के कैटल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। द प्रपोज्ड लॉ विल क्लब टुगेदर बुल्स, बुलक्स, काउज, हाइफर, काव्स, मेल एंड फीमेल बफेलोज एंड ऑल्सो बफेलो काव्स। कारा बीफ को गोमा से डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता है इस कानून के अंतर्गत। इसके विपरीत राजस्थान और मध्य प्रदेश के कानूनों में केवल गाय की प्रोजेनी शामिल है, भैंसों की नहीं है। द प्रपोज्ड असम लॉ प्रोहिबिट्स इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल टू एंड फ्रो एंड एज वेल एज विद इन असम। व्हेन ही स्पोक फर्स्ट अबाउट इट, Sarma said that the law was essentially to stop the trafficking of cattle into Bangladesh. निसंदेह है कानून सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और गहरा कर सकता है, डेयरी और पशु व्यापार को डिस्टर्ब भी कर सकता है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के वहां रहने वाले लोगों के आहार पैटर्न में जबरन इंटरफियर करेगा ये कानून। द प्रपोज्ड बिल ऑल्सो गिव्स पुलिस द इंडिस्क्रिमिनेट पावर टू इंट्रूड merely on the basis of suspicion. इतिहास में कैटल प्रोटेक्शन लॉज कृषि क्षेत्र में मिल्च एनिमल्स की सेंट्रलिटी को रखकर ड्राफ्ट किए गए थे, लेकिन अब भारत में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हाल के दशकों में खास तौर पर बहुत बदल गई है। ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में मेकनाइजेशन और केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज के कारण है। जानवरों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इंट्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है। बट द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ इज दैट इट रेजरेक्ट्स अ कॉलोनियल लेगेसी of defining India as a battleground of communal identities. The law will convert socially demarcated colonies into legally defined territories on the map of India. This will further solidify communal prejudice and deepen already existing cleavages between the beef-eating and the non-beef-eating Indian citizens, which is a practice irrespective of religion. इतिहास गवाह है, ऐसे नीतियां ने जाति, वर्ग और पेशे की पहचान पर आधारित पारंपरिक जीवन शैली को सांप्रदायिक रूप से डिमार्केट किया है. सोशल साइंटिस्ट नाजिमा परवीन wrote the well-received book called Contested Homelands Politics of Space and Identity. इस पुस्तक में उन्होंने बताया कैसे पंजाब के गवर्नर को डिविसिव कानून का एक ढांचा प्रदान किया गया था. A legal framework was provided to manage so-called conflicts emerging out of sacrificial slaughter of cows during festivals. इन नियमों के बाद में, जिसको 1849 में पंजाब लॉज का नाम दिया गया, इन्हें दिल्ली तक एक्सटेंड किया गया और 1873 में इसमें अमेंडमेंट या संशोधन किया गया. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट एनिमल स्लॉटर वाज रेस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ सर्टेन रेसिडेंशियल एरिया. द लॉ ऑर्डेन्ड दैट no animal slaughter would be permitted within 300 yards of cities, towns or villages where the Hindu and Muslim population was mixed or living in close proximity. कानून ने उन जगहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जहां एनिमल स्लॉटर किया जा सकता था या मांस बेचा जा सकता था. अपनी किताब में नाजिमा परवीन ने विस्तार से बताया है कि दैट By the 1870s, दिल्ली में हिंदू मेजॉरिटी इलाकों में मांस की दुकानें जैसे कि कश्मीरी गेट हो या मोरी गेट या एक और मोहल्ला जिसका नाम था फाटक हब्श खान, वहां सब मीट के दुकानें बंद हो गई थी. ये सो कॉल्ड मुस्लिम एरियाज में चले गए थे, उनको वहां भेज दिया गया था. उन्होंने आर्ग्यू किया, although the presence of these meat shops created no conflict, slaughter and meat trade was termed controversial. Eventually, this limited the claims of Muslims on public spaces in the cities, towns and villages. And finally, this is what set the ball rolling for the eventual partition of the Indian subcontinent and British India. After shifting meat shops and its trade from composite colonies, the British divided residential spaces on the basis of religious identity. The categories of these colonies were Hindu majority, Muslim majority and the composite ones. इतना ही नहीं, धार्मिक जलूसों और transportation of meat and meat products और even those animals which had to be slaughtered, उनके लिए एक अलग सुरक्षित रास्ता अलग अलग मोहल्लों में सेपरेट रोड्स तय कर दिए गए. नाजिमा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि इन प्रैक्टिसेस और कानून की वजह से मीट प्रैक्टिस बिकेम एन एवरीडे इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी डू नॉट ईट became the cause for the two communities of various residential spaces to mark out their exclusive zones. जाहिर सी बात है, बकरी ईद का पीरियड सबसे ज्यादा क्रिटिकल बन गया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया कि बाबर के जमाने से ईद के दिन गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. मीट ट्रेड को नियंत्रित करने के इन नीतियों के कारण ही मुस्लिम इलाके का कैटेगरी उभर गया इलाका. भारत में आज बहुत ही कोई रेयर शहर, गांव या फिर कस्बा होगा जहां अलग से मुसलमान कॉलोनी करके नहीं डिमार्केट किया जाता है। जैसे कई शहरों में आपने देखा होगा कि स्टेट प्रेजेंस इन दीज एरियाज इज लिमिटेड इन द वे ऑफ इट्स एब्सेंस। ये ध्यान देना चाहिए, असम में जो प्रपोज्ड कानून है बकरी ईद के भी पीरियड में इसको प्रपोज और टेबल किया गया। ब्रिटिश नीतियों के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों अपने क्षेत्र के प्रति और ज्यादा सेंसिटिव और प्रोटेक्टिव हो गए। दूसरे के स्थान की उल्लंघन भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई। 1920 के दशक में नागपुर में हिंदू एक मुस्लिम इलाके से गणेश का जलूस निकालना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ और दंगा भड़का। उसी के बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ। समय के साथ चाहे शहर हो, कस्बा या फिर गांव, हर जगह ऐसे बॉर्डर्स बन गए। यही सेग्रीगेटेड स्पेसेस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से उसके प्रसार का आधार बन गए। It gave rise to the sense of the other, of theirs and what is ours. दोनों समुदाय इन सीमाओं को इनवायलेबल मानने लगे और दूसरे समुदाय द्वारा किए गए सो कॉल्ड उल्लंघन के उससे दंगे भड़कने लगे। देखते ही देखते पूरे देश में ब्रिटिश पीरियड में all festivals became communalized. Ultimately पार्टीशन हुआ और अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस के बैकड्रॉप में भारत आजाद हुआ। असम सरकार और बीजेपी को शायद तरक्की नहीं चाहिए, इसीलिए तो वह आर्काइक डिविसिव कानून उसको रेजरेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी को और ज्यादा कम्युनली पोलराइज करने के लिए नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्टेप्स एक के बाद एक लाए जा रहे हैं। धन्यवाद।